Good morning, students. Today we are going to do our question answers of lesson 1. So open page number 12. Now here is the first exercise, that choose the correct context supplied in the box given below in which the following expressions take place. यानी कहने का ये मतलब है कि नीचे तुमको क्लू है और जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें तुमको फिट बैठाना है कि कौन सा होगा. तो सबसे पहले हम आते हैं नंबर ए में. यू एंड योर फ्रेंड्स गो टू अ स्टोर टू बाय अ शर्ट. योर फ्रेंड चूजेज अ शर्ट एंड आस्क्स यू अबाउट योर चॉइस. तो इसमें आप आ जाएंगे, देना है आई थिंक इट्स वंडरफुल. नंबर बी में है, योर सिस्टर हैज़ मेड अ प्लान टू स्केयर हर फ्रेंड्स. यानी आपकी बहन ने एक प्लान बनाया कि अपने फ्रेंड्स को थोड़ा डराएगी. वह आपको प्लान के बारे में बताती है और इसको सुन के आपको थोड़ा सा अजीब सा लगता है. तो उसका आंसर होगा बट दैट्स एब्सर्ड. नंबर सी में है कि तुम्हारा फ्रेंड दूसरे शहर से आया है और तुम मदद कर रहे हो कि उसको एक रेंटेड हाउस मिले, यानी किराए का घर. लैंडलॉर्ड मकान का मालिक उससे रेंट मांगता है 7,000, जो कि बहुत ज़्यादा है तुम्हारे दोस्त के लिए. तो अब वो जवाब देगा आई एम अफ्रेड वी कांट और डैश डैश डैश. नंबर डी में है कि तुम डिफ़िकल्ट पाते हो कि अपने शूज़ के लेस को बांधो. तुम्हारा एक दोस्त सिखाता है कि कैसे तुमको बांधना है और तुम इसको आसानी से सीख जाते हो. तुम उसका आंसर लिखो ओ दैट्स ईजी. नंबर ई में है कि तुम्हारी मतलब कि तुम्हारी आंटी की बर्थडे है, तुम्हें याद आता है और तुम उसको हैप्पी बर्थडे मॉर्निंग में मतलब कहते हो, विश करते हो. तुम्हारी आंटी खुश हो जाती है वो सुनकर. वो कहती है बड़ा ही मतलब कि इट्स सो नाइस ऑफ यू. फिर तुम एक बर्थडे गिफ्ट अपने कज़न से रिसीव करते हो और उसको विश करते हो यह कहकर थैंक यू. वो तुमको जवाब देता है यू आर वेलकम. तो इस तरह से आप इसको कॉपी में कर लेंगे. अब हम आते हैं कंप्रिहेंशन में, रीडिंग स्किल्स में. सबसे पहला इसका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नंबर ए, व्हेन डिड द गंगा बिकम अ होली रिवर. कि गंगा कब एक होली रिवर बनी. तो इसका आंसर पेज को टर्न कीजिए, पेज नंबर 9 में आइए और उसमें देखिए आंसर नंबर 1 का. अकॉर्डिंग टू लीजेंड्स द गंगा वॉज इन हेवन बट वॉज ब्रॉट डाउन टू अर्थ एंड दिस मेड इट अ होली रिवर. यहाँ से यहाँ तक आंसर होगा. नंबर 2 में आइए. Why did King Sagar want to tell people that he was the king of the land? कि King Sagar क्यों कहना चाहते थे लोगों को कि वह land के king हैं. पेज नंबर 9 में हम लोग फिर से आएंगे और यहाँ देखेंगे इसका. King Sagar became strong and powerful. He had a huge empire, but he wanted to establish the boundary of his empire and tell people who was the king of the land. नंबर सी, व्हाई डिड द गॉड्स फील सैड अबाउट द सन्स ऑफ किंग सागर. पेज नंबर 10 में आएंगे. द गॉड्स वेर अनहैप्पी विद द 60,000 सन्स ऑफ किंग सागर एज दे वेर वेरी क्रूएल. नंबर डी, व्हाई वॉज गंगा वेरी प्राउड, व्हाट वॉज द मोशन. इसमें हम पेज नंबर 11 में आएंगे. गंगा वॉज वेरी प्राउड एज शी वॉज द फेवरेट ऑफ द गॉड्स. शी थॉट दैट शी वुड स्वीप अवे इवन शिवा बाय हर फोर्स. ये नंबर 4 का आंसर. अब ट्रू फॉल्स में आएंगे. नंबर ए, द गंगा वॉज ब्रॉट डाउन टू अर्थ बाय किंग सागर. फॉल्स. द नेम ऑफ द सेकेंड वाइफ ऑफ किंग सागर वॉज केसिनी. फॉल्स. इंद्र इज रिगार्डेड एज द किंग ऑफ गॉड्स. ट्रू. The 60,000 sons of the king knew that Kapil Munis was a sage. False. Number 3 में आएंगे कि इसको जो है sentences को complete करना है lesson से word लेकर. People release the ashes of their dead love
वंस इन द गंगा. नंबर बी किंग सागर लिव्ड इन अयोध्या. नंबर सी द 60,000 सन्स वेर वेरी प्राउड एंड सो द गॉड्स वेर अनहैप्पी. नंबर डी द किंग ऑफ बर्ड्स इज नेम्ड एज गरुड़. फिर आएंगे टिक मार्क पर. द ग्रैंडसन ऑफ किंग सागर वॉज अंशुमन. अश्वमेध यज्ञ वॉज परफॉर्म बाई किंग सागर टू लेट पीपल नो दैट ही वॉज द किंग ऑफ द लैंड. नंबर थ्री होगा नंबर बी का. नंबर सी में है द ब्रेव किंग हु डिड नॉट हैव अ सन वॉज, इसका सी का ऑप्शन फोर होगा, भागीरथ. नंबर डी ऑन रीचिंग द अर्थ द वाटर्स ऑफ द गंगा डिवाइडेड इंटू, इसका होगा फोर्थ वाला ऑप्शन, सेवन स्ट्रीम्स. टिक कर लीजिए और इस तरह से आपका ये ख़त्म होगा. नेक्स्ट क्लास में इसका ग्रामर पोर्शन हम आपको बता देंगे. दैट्स ऑल. हैव अ नाइस डे.